Before I start this video, let me take 30 seconds to tell you something about Exergic. Exergic is India's most trusted and most experienced institute for online gate preparation. I am Chandresh Mahajan, founder and chief educator at Exergic. I am an All India Rank 37 in gate mechanical engineering and ex Indian oil officer having 7 plus years of teaching experience as of now. These are the GATE 2021 mechanical engineering toppers from Exergic. You can find their preparation strategy on Exergics website. To know more about our GATE courses, you can visit our website or contact us on these details. Also, you can download Exergic GATE preparation app from Google Play Store. The link is available in the description of video. हेलो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स सेफ हैं हेल्दी हैं कोविड के सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं बात करें गेट प्रिपरेशन की तो पिछले एक साल से ऑलमोस्ट सभी एक्सपेरेंट्स ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके अपने आप में कई फायदे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है ट्रैवल टाइम सेव होता है मनी सेव होता है ट्रैवल फटीक सेव होता है आप टोटली कंट्रोल कर सकते हैं अपना टाइम टेबल और भी बहुत सारे फायदे हैं बट ये वीडियो उन फायदों के बारे में नहीं है इस वीडियो में जैसा कि आप पढ़ सकते हैं मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूं कि ऑनलाइन स्टडी के दौरान कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया जाए और कैसे आई फटीग जो है उसको कम किया जाए सो दैट आप लॉन्गर आवर्स पढ़ सकें क्योंकि ये एक चीज है जो मुझे रिपीटेडली पिछले कई वीक्स uh, से ऐसे ईमेल्स आए हैं और जब भी प्रीमियम uh, वेबिनार भी मैं एक्सर्जिक के प्रीमियम ग्रुप में ले रहा था uh, कुछ दिन पहले तो वहां पे भी फिर स्टूडेंट्स ने इस चीज को पूछा मेल भी किया तो आई थॉट क्योंकि ये सभी लोगों को इशू है तो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस फॉर एवरी तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो कैसे आप अपने आई फटीक को कम रखें कैसे आप आर लॉन्गर आवर्स पढ़ सकें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं आपसे नौ टिप्स शेयर करूंगा और ये नौ के नौ टिप्स ऐसे होंगे जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो फुल्ली ऐसे टिप्स जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के ऐसे टिप्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं और ये टिप्स ऐसे हैं जिसमें से कई सारे मैं भी फॉलो करता हूं मेजोरिटी ऑफ देम आई फॉलो क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट uh, काफी टाइम स्क्रीन के सामने रहता हूं ऑनलाइन होता हूं तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये एक जनरल इश्यूज हैं बेसिकली आप भी आगे जाओगे आप कुछ जॉब करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि दिन भर उन्हें स्क्रीन देखनी है दिन भर ऑनलाइन रहना है तो जो टिप्स मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूं ये कोई ऐसे टिप्स नहीं है जो आप कुछ महीने कुछ वीक्स यूज करो और फिर बंद कर दो ये आपकी लाइफ स्टाइल में कंटिन्यू होने चाहिए थ्रू आउट आपको इनको कंटिन्यू करना है अगर आप चाहते हैं कि आप इफेक्टिवली ऑनलाइन वर्क कर ऑनलाइन स्टडी कर सके और अपनी आईज का भी ख्याल ग्रुप है दैट इज रिगार्डिंग हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रेक्शन क्योंकि ऑनलाइन कई सारे डिस्ट्रेक्शन संभव है मोबाइल पे कई सारे डिस्ट्रेक्शन संभव है तो कैसे उनको अवॉइड करना है सेकेंड है कि कैसे आप अपना आई स्ट्रेन रिड्यूस कर सकते हैं इसमें मैं आपको दो तीन टिप्स दूंगा और आखिरी में दो मैं आपको जनरल टिप्स दूंगा तो ये मेक श्योर sure करना कि एंड तक जो भी मैं बताऊं सब कुछ ध्यान से सुनना समझना और आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना सबसे पहला जो टिप है ये अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आता है कीप योर मोबाइल अवे अपना मोबाइल दूर रखें ठीक है ये मैं अभी उनके लिए बता रहा हूं जो लैपटॉप पे स्टडी करते हैं जो मोबाइल पे स्टडी करते हैं उनके लिए क्या होगा वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आप में से जो लोग लैपटॉप्स पे टैबलेट्स पे स्टडी कर रहे हैं वो अपना मोबाइल अपने आप से दूर रखें मोबाइल जब सामने होता है ना तो क्योंकि हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि हम उसको फॉर नो रीजन अनलॉक करते हैं एप्स पे टच करते हैं टच चला जाता है अंगूठा आपका बहुत बेचैन है वो चला जाता है और स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो कोई भी ऐसा ऐप जो आप यूज करते हो तो अगर आपके सामने वो रखा है तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप रैंडमली उसको अनलॉक करेंगे स्क्रोल करेंगे आप उसको अपनी आंखों के सामने से हटा लीजिए उसको आप करिए साइलेंट मोड पे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसको कवर्ड के अंदर बंद करके रख दीजिए किसी ड्रॉय में रख दीजिए ऐसी जगह रखिए कि आपके वो सामने ना हो आपसे वो दूर हो तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आप हर पांच मिनट में उठ के जाएंगे और उसको अनलॉक करेंगे स्क्रोल करेंगे और फिर आएंगे है ना प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा ही होता है अगर आपके सामने रखा है तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसको अनलॉक तो है, तो है ये साइलेंट मोड पे करना है और कबर्ड में ड्रॉर में ऐसी जगह जो आपसे दूर हो और आपको दिख नहीं रही है दूर मतलब आपके ही रूम में कहीं दूर हो ठीक है नेक्स्ट टिप है कि टर्न ऑफ नोटिफिकेशन ये स्पेशली सबको ही रखना चाहिए इन जनरल मैं अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ एक दो जो काम के ऐप्स हैं जो वर्क फ्लो में यूज होते हैं बस उनके नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं बाकी सब नोटिफिकेशन मेरे बंद रहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टिप है ये मैं क्लियरली आपको बता सकता हूं अगर आप मोबाइल पे स्टडी कर रहे हैं तब तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मोबाइल पे आपने ऐप डाउनलोड ऐप यूज कर रहे हैं आप उसमें आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और तभी एक नोटिफिकेशन आ गया किसी का मैसेज आ गया फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन बहुत विल पावर लगती है मैं समझ सकता हूं उसको ना क्लिक करने के लिए ठीक है तो उससे होगा क्या नोटिफिकेशन आएगा क्लिक करेंगे निकल लिए आप और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि ना केवल इससे टाइम वेस्ट होता है बल्कि इससे आपका अटेंशन भी डिवाइड हो जाता है ना आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पाँच मिस्टेक्स बताई थी जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए उसमें मैंने इस चीज का डिस्कस किया था इसीलिए नोटिफिकेशन को बंद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली अगर आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए ये मैंडेटरी है आपको रखना ही रखना है कि सारे नोटिफिकेशन बंद रखें कैसे हो सकता है आप फोन की सेटिंग में जाके इसको बहुत इजीली देख सकते हैं एप्स अवेलेबल हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज से ही अभी से ही इसको करना स्टार्ट कीजिए ब्लॉक करिए उन अनवांटेड एप्स और वेबसाइट्स को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो कोई भी वेबसाइट हो सकते हैं किसी भी कैटेगरी के वेबसाइट्स हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी ऐसे एप्स हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब आप पढ़ रहे हो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐप्स को आप ब्लॉक करें अब कैसे ब्लॉक होगा ये आप गूगल कर सकते हैं ब्लॉक करने के लिए भी एप्स अवेलेबल हैं इवन आपके पास अगर लैपटॉप है गूगल क्रोम के अंदर भी ऐसे एक्सटेंशंस आते हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं तो जो भी ऐसी वेबसाइट्स हो जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं सिंपली आप उनको ब्लॉक कर दीजिए आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप इस चीज को बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की फर्स्ट कैटेगरी थी हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रेक्शन तीन चीजें बताई बताइए जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट है कि हाउ टू रिड्यूस आई स्ट्रेन और आई फटीक क्योंकि आप ऑनलाइन जब स्क्रीन uh, को देख रहे हैं लंबे आज तक तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सभी को शायद नहीं बट कुछ लोगों को आईज में स्ट्रेन या फटीक फील हो रहा है और अगर आपको नहीं भी हो रहा है स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप इन चीजों को कोशिश करें इंप्लीमेंट करने की उसमें सबसे पहला जो है वो है अपनी आंखों को फ्रीक्वेंटली वॉश करना ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि अपने आदत में लाऊं पूरी तरह से मेरी आदत में नहीं आया है अभी है लेकिन इट इज डेफिनेटली समथिंग जो आपको स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए जब मैं स्कूल में भी था जब मैं जरूरी नहीं स्क्रीन पे ही पढ़ रहा था जब मैं बुक्स से भी पढ़ता था तो भी मेरे पिताजी मुझे फ्रीक्वेंटली बोलते थे कि थोड़ा उठो बीच में हाथ मुंह धो लो हाथ मुंह से मींस आईज वॉश कर लो सो so दैट आपको आईज में स्ट्रेन ना हो और स्पेशली जो वो बताते थे वो मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ वो मुझे ये कहते थे अभी भी कहते हैं कि मुंह में पानी भरो और उसके बाद ठंडा पानी भरो और उसके बाद ठंडे पानी से आंख में छीटे लो तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई मैं अभी पूरी तरह से इसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाया हूं बट ये एक ऐसी चीज है जब भी मैं करता हूं डेफिनेटली मेरे आईज को रिलैक्स फील होता है और इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि एक अच्छी चीज है जो आपको करनी चाहिए अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं काफी लंबे टाइम तक नेक्स्ट चीज है कि अवॉइड डार्क मोड ओवर यूज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए जनरली आप सबको लगता होगा कि डार्क मोड एक बहुत अच्छी चीज है और डार्क मोड ऑन करके रखते होंगे आप सुबह से रात तक कि आपकी आईज कोई प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसा नहीं है डार्क मोड इज रिकेन जब लाइटिंग कंडीशन आपके आसपास खराब है जब आप अंधेरे कमरे में स्क्रीन को देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल या रूम में बहुत डिम लाइट्स हैं उस वक्त देख रहे हैं केवल और केवल उसी वक्त डार्क मोड रिकमेंडेड है अगर आप वेल well लिट कमरे में जहां पे लाइट अच्छी है दिन का टाइम है और ऐसे सिचुएशन नहीं है कि आसपास आपके लाइट बहुत कम हो उसमें अगर आप डार्क मोड ऑन रखा हुआ है आपने एक डार्क कलर की स्क्रीन पे व्हाइट कलर के फॉन्ट है तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज बैड फॉर योर आईज ये आपकी आईज को और थका देगा तो इसीलिए डार्क मोड का ओवर यूज नहीं कीजिए आप इसको देख सकते हैं इस पे ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च और पेपर्स बेसिकली इट्स प्रूवन कि आपको अननेसेसरी डार्क मोड यूज नहीं करना चाहिए हाँ बैटरी आपको बचानी है वो एक अलग पर्पज हो सकता है बट आंखें आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरी से तो इसीलिए मेक श्योर sure कीजिए कि आप डार्क मोड का यूज अवॉइड करें और एकदम उसको तभी यूज उस करें जब या तो सच में अंधेरा है पूरी रूम में लाइट ऑफ है आप पढ़ रहे हैं विच इज नॉट रिकमेंडेड आप हमेशा एक अपने पास लैंप रखिए जिससे आपके टेबल पे जहां पढ़ रहे हैं अच्छी लाइट अवेलेबल हो तो इसीलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखिए ओवर यूज मत कीजिए डार्क मोड का इट कैन एक्चुअली ज़्यादा थका देगा Next point है है मेरे screen पे ये all time चालू रहता है. बहुत सारे इसको करने के तरीके हैं हो सकता है आपके ऑपरेटिंग uh, सिस्टम में इनबिल्ड हो ये होता क्या है बेसिकली हर जो स्क्रीन है उससे रेडिएशन एमिट हो रहे हैं राइट right? जो ब्लू कलर के रेडिएशन होते हैं वो हमारी आंखों को थोड़ा ज्यादा थकाते हैं और बेसिकली हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं जो ब्लू रेडिएशन आ रहे हैं एलईडी जो पैनल लगे ना स्क्रीन के पीछे उनसे जो स्क्रीन फिल्टर है वो क्या करते हैं कि कलर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं स्क्रीन का बेसिकली ब्लू कलर का इफेक्ट कम कर देते हैं ब्लू कलर को कम कर देते हैं और वार्म कलर्स को बढ़ा देते हैं ब्लू इज अ कोल्ड कलर And yellow, red, these are warm colors. तो जो कूल कलर्स है उनको कम करके वार्मा देते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग भी होता है और जैसा मैंने बताया आपकी स्लीपाइकिल को भी ये खराब नहीं करता है आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर है फ्लक्स नाम है इसका एफ डॉट यहाँ डॉट लगा हुआ है एफ डॉट एल यू एक्स बट इसको प्रोनाउंस करते हैं फ्लक्स तो ये क्या करता है कलर टेम्परेचर वार्म कर देता है आपकी स्क्रीन का और ये आपकी आंखों के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा और आपकी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा दिस इज समथिंग जो मेरे सिस्टम में तो इनबिल्ड है ये चीज तो आई डोंट हैव टू यूज दिस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली बट वार्म वार्मेम्परेचर हमेशा मेरी स्क्रीन में ऑन रहते हैं चौबीस घंटे जब भी उसको यूज कर रहा हूं मैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिमिट नॉन एसेंशियल स्क्रीन टाइम जो स्क्रीन टाइम है बेसिकली वही आपको धीरे धीरे आइस में आपके ए, स्ट्रेन दे रहा है और अभी उसी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग आई फेटिक और आई स्ट्रेन तो क्योंकि आप पढ़ लेते हैं पढ़ाई कर ली आपने अच्छे से बैठ के उसके बाद आपको लगता है कि आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं पढ़ाई कर ली मैंने सात घंटे आठ घंटे नौ घंटे और रिलैक्स करने के लिए भी आप वापिस से स्क्रीन की तरफ जाते हैं आप गेम्स खेलते हैं आप मूवीज देखने लग जाते हैं जो अगेन डायरेक्टली आप आईज का यूज कर रहे हैं उसमें आपकी आईज को वो थका रहे हैं ये नॉन असेंशियल स्क्रीन टाइम है आप कोशिश कीजिए उस वक्त रेस्ट कीजिए उस वक्त गाने सुनिए इवन इफ अगर आप कुछ एंटरटेनिंग सुनना चाहते हैं तो आप जरूरी नहीं है स्क्रीन देखें कोई जोक सुनने के लिए आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो देख रहे हैं आपको उसके लिए एस सच स्क्रीन का नीड नहीं है है ना यू कैन जस्ट प्लग इन योर ईयरफोन्स एंड यू कैन नॉट वॉच द स्क्रीन आप लेट ही आराम से जोक सुनिए जो भी आप एंटरटेनिंग सुनना चाहते हैं उसको सुनिए बट कोशिश कीजिए कि नॉन एसेंशियल जो स्क्रीन टाइम है चाहे मोबाइल पे हो लैपटॉप पे हो अदर देन स्टडी उसको टोटली अवॉइड कीजिए आपकी आंखों को और थका रहा है ये बहुत छोटा सा टिप है बट एक इंपॉर्टेंट टिप है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट दो जनरल टिप्स में आपको देने वाला हूं पहला जनरल टिप्स में है मेंटेन करेक्ट पोस्चर क्योंकि आप घर पे पढ़ रहे हैं फुल पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत सारे लोग आराम से बेड पे बैठते हैं और बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं कई लोग बेड पे लेट के पढ़ाई करते होंगे क्योंकि आपके पास फ्रीडम है तो जब भी फ्रीडम मिल जाती है ऑब्वियसली कंट्रोल आपके पास ज्यादा है कि आप किस चेयर पे बैठना चाहते हैं किस पोस्टर में बैठना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए आप बेड पर बैठ के मत पढ़िए आपका पोस्चर भी सही नहीं होगा आप सही से पढ़ और समझ नहीं पाएंगे आप में से क्या पता कुछ लोग सो ही जाए पढ़ते पढ़ते कई लोग होते हैं ऐसे जो लेट जाते हैं तो फिर उन्हें पता नहीं चलता कब नींद लग जाए तो पढ़ना स्टार्ट किया और पंद्रह मिनट में नींद लग गई ऐसा होता होगा श्योर तो इसीलिए बेड पे बैठ के मत पढ़ो आप प्रॉपर पोस्चर में बैठो आप चेयर लो टेबल लो और उस पे बैठ के पढ़ाई करो अवॉइड करो बेड पे बैठना बस आप सोने के लिए जा रहे हो बेड पे दैट इज फाइन उसके अलावा आप मत जाओ बेड पे टेबल चेयर पे रहो और जब आपको वॉक करना है तो वॉक करो रूम में अगर बाहर जा सकते हो अलाउड है तो बाहर बट तो कोशिश करो कि हमेशा राइट पोस्चर में रखो छोटी सी चीज़ है ये लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है लॉन्ग रन में आपको थ्रू आउट द लाइफ ये चीज काम आएगी और इसमें सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूलर स्टडी का देखिए जब आप ऑफलाइन क्लासरूम में किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको छत सात घंटे डिपेंडिंग अपॉन मेनी थिंग्स आपको लगातार पांच घंटे घंटे सात घंटे पढ़ना पड़ता है ऑब्वियस बात है कि इतनी देर में अटेंशन जो है आपका अटेंशन स्पैन है वो वीक होने लगता है आप थकने लगते हैं मेंटल फटीव होने लगता है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं आपको समझनी एब्जॉर्व करनी होती हैं तो जो आखिरी के एक घंटे दो घंटे तीन घंटे हो सकते हैं वो उतने इफेक्टिव स्टडी आपकी उसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि तो शुरू के दो तीन आस तो आप अटेंटिव रहोगे बट उसके बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए जो पढ़ लिया उसको रिविजन करना जरूरी है उसके बाद आप नेक्स्ट चंक पे मूव करो तो अच्छा है और यही इस टिप में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी आपको स्टडी करनी है आपको मान लीजिए लेक्चर्स देखने कोशिश कीजिए कि लगातार बैठ के पांच घंटे लेक्चर्स ना देखो। ऑब्वियसली बीच में दो तीन चार मिनट का ब्रेक होगा बट उस ब्रेक को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं इसमें लगातार का मतलब है कि बिना किसी एक घंटे आधे घंटे के ब्रेक के आप कंटिन्यूस पांच घंटे उस चीज को पढ़ रहे हैं इसको आप अवॉइड कीजिए इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्टडी को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए उस दिन के लिए जितना भी आपने सिलेबस कवर करने का प्लान किया है या शेड्यूल में आपको दिया हुआ है क्योंकि एक्सर्जिक में कि अगर मैं बात करूं तो हर स्टूडेंट को एक शेड्यूल गिवन है कितना किस दिन कवर करना है कितना किस दिन पढ़ना है कोशिश कीजिए कि उसको चंक्स में डिवाइड कर लीजिए आप सुबह कुछ पोर्शन पढ़ सकते हैं फिर दोपहर में शायद आप उतना अटेंटिव फील नहीं करते हैं तो उसको स्किप करके फिर शाम में कुछ पोर्शन पढ़ सकते हैं और इस दौरान इन दोनों चंक्स के बीच में जो पहले आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कीजिए उसके नोट्स को लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कीजिए और टाइम लीजिए अच्छे से एक बार देखने समझने का जो आपने पढ़ा है ये बहुत इफेक्टिव टिप है इसीलिए जोश में आके ये मत कीजिए कि मैं छह घंटा सात घंटा लगातार पढ़ूंगा आपको अच्छा लग सकता है कि हाँ मैं सात घंटे पढ़ाई की छह घंटे पढ़ाई की बट आखिरी के दो तीन घंटे अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपका अटेंशन स्पैन उतना अच्छा नहीं होगा आप उतना ग्रास्प नहीं कर पाओगे उतना रिटेन नहीं कर पाओगे तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उस लंबे छह घंटे पांच घंटे सात घंटे जितने भी देर आप आ, को शेड्यूल दिया हुआ है उस सेशन को डिवाइड कर लीजिए डेढ़ घंटे दो घंटे के छोटे छोटे चंक्स में और उस तरह से आप पढ़ाई कीजिए उससे आप ज्यादा देर पढ़ पाएंगे ऑल वो चंक्स में डिवाइडेड होगा बट वेन यू कंबाइन इट और आप उसकी इफेक्टिवनेस देखेंगे तो आपको फील होगा कि आप ज्यादा इफेक्टिवली उसको पढ़ पाए और लेंगे मॉड्यूलर स्टडी के साथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा आज से ही कल से ही तो ये सारे टिप्स नोट डाउन कीजिए और इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कीजिए आप एक्सर्जिक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं पिछले आ, साल के या गेट 2021 के ऑलमोस्ट सब ने ऑनलाइन प्रिपेयर किया हुआ है तो उनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी उन्होंने कैसे अपना डे प्लान किया कैसे प्रिपरेशन प्लान की ये सारा कुछ आप एक्सर्जी की वेबसाइट पे जाके उनकी सक्सेस स्टोरी में देख सकते हैं आई विश यू ऑल दी बेस्ट स्टे सेफ टेक केयर ऑफ योर